पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शिवरात्रि के पर्व को लेकर पूरे देश में विभिन्न प्रकार की प्रथा प्रचलित है। प्राचीन काल के हिसाब से शिवरात्रि का पर्व महादेव और माता पार्वती की शादी का दिन है। इस दिन भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के दर पर अपनी बारात लेकर गए थे, इसलिए इस दिन को शिवरात्रि कहा जाता है। तो वहीं शिवरात्रि के लिए हरिद्वार से पैदल चलकर गंगा जल ला रहे कांवरियों के लिए श्री शिव शक्ति कांवर सेवा समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन कार्ट रोड पर किया गया, जिसमें सुंदर झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। समिति के अध्यक्ष ने बताया, हम यह भंडारा 9 साल से लगाते आ रहे हैं और भोले की सेवा करते आ रहे हैं। भंडारे में गौरव राजपूत, सतीश कुमार, अंकित सैनी, विश्वास सक्सेना, अमित चौधरी, मनोज चौधरी, जयवीर सिंह, अनिरुद्ध तोमर, नन्ने चौधरी, गौरव चौधरी, भारी संख्या में समिति के कार्यकर्ता व भक्तजन मौजूद रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी राजगीरों के लिए और कांवरियों जो हमारे आ रहे हैं दूर से चलते हुए, उनकी सेवा के लिए और उनको भोजन का प्रबंध कराने के लिए हमने भंडारे का आयोजन किया। तकरीबन कितने श्रद्धालुओं ने इसमें भाग प्रतिभाग किया? 2500 से 3000 श्रद्धालुओं ने अब तक भोजन प्राप्त किया। शहर के लोगों से, सामाजिक लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी पर्व को, किसी भी त्यौहार को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, तो शांति से मनाएं, एकदम आनंद के साथ उसका मजा लें और शांति बनाए रखें और विशेषकर सफाई का जरूर ध्यान रखें। कोई शहर हमारा है तो इससे सफाई करने की जिम्मेदारी हम लोग रखें।